कितनी प्यारी पंक्तियां हैं गुरु साहिब जी की। जोग ना पगवी कपड़ी, जोग ना मैली वेश, ना ऑरेंज कपड़े भगवे कपड़े पहनकर कोई जोगी बन जाता है, ना मैले कपड़े पहनकर। नानक घर बैठिया जोग पाई है सतगुर के उपदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के उपदेश को समझकर चलने लग जाए वो घर बैठे जोग कमा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोग क्या है? गुरु के उपदेश को मानना। और यहाँ पर उपदेश क्या है? बैराग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी समझा रहे, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ी गहराई है आज, कि बिरहा बिरहा आखिए, कि बिरहा जो होती है, बिरहा किसे कहते हैं? समझो हमारा कोई एकदम नजदीकी मर जाए तो हम किस हालत में होते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। या हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए तो हम किस हालत में होते हैं? उसे दुनियावी बैराग कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी कहते हैं, बिरहा बिरहा आखिए, कहते हैं कि दुनिया बिरहा को बिरहा कह रही है, भाव बिरहा को बुरा कह रही है, पर कहते मेरी नजर से देखो बिरहा तू सुल्तान, सुल्तान भक्ति है बिरहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। जिस शरीर में बिरहा ना उपजे वो शरीर नहीं, वो शमशान घाट है, मरा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव तू जीवित नहीं है, तू मर चुका है, ये अंदर की बात हो रही है। कि तेरी इंद्रियों ने तेरा संस्कार कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को समझना। दो प्रकार का बैराग होता है, एक मनमुख का एक गुरुमुख का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मनमुख, दुनियावी नुकसान हो जाए, कोई अपना खास छोड़कर चला जाए, किसी से धोखा मिल जाए, कोई अचानक धोखा दे दे तो मन उदास हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु।